बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है ओवरऑल क्वेश्चंस के रिलेटेड है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये PMA 147 में आ चुके हैं और इससे पहले भी जितने टेस्ट क्वेश्चन में भी आए थे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने लाजमी देखने हैं, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वर्बल में जो होते हैं लड़के ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। तो ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाए कि टेस्ट वीडियो बनाई है कि जितने लड़के हैं वो ईजीली पास कर सकें इसको, क्योंकि लड़के ज़्यादातर इंटेलिजेंस में रह जाते हैं कि बाद में ये बोलते हैं इंटेलिजेंस मुश्किल था, तो जिनको वर्बल में मुश्किल होती है तो इसलिए उनके लिए वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 80% ऑफ 10 का जो 80% कितना होगा, इसमें अपने सिंपली परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के इसको हल करना है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो परसेंटेज होते हैं। तो 80 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको आपस में काटेंगे तो आंसर जो होगा 8 आ जाएगा। 60% ऑफ 9, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसी तरह हल करना है परसेंटेज के फॉर्मूले से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9, तो जो इसका आंसर आएगा वो 5.4 होगा आपके सामने है। ट्रेन कवर 20 किलोमीटर इन 1 आवर, ट्रेन जो है 20 किलोमीटर सफर तय करती है 1 घंटे में, तो वो कितना सफर तय करेगी 1 मिनट में। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। 20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1, 20 जो था उसके किलोमीटर 1 घंटे में थी और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 1 किलोमीटर फाइंड करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो इसका जो आंसर होगा 0.3 होगा। अदनान वॉक 10 मीटर्स टूवर्ड नॉर्थ, 10 मीटर जो है नॉर्थ की तरफ वॉक करता है, फिर साउथ की तरफ मुड़ जाता है। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, उसके बाद वो पीछे घुमा, तो जब उसके पीछे घुमा उसकी पोजिशन जो थी वो नॉर्थ थी, तो उसके बाद जो है फिर लेफ्ट घूमे, तो अभी बताना है उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन कौन सी है। तो नॉर्थ के लेफ्ट में जो होता है वो हमेशा याद रखना है वेस्ट है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर इज़ योर मदर, मेरे भाई की बहन जो है तुम्हारी अम्मी है, तो व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो का रिलेशन क्या होगा। आंसर होगा वो नेफ्यू और नीस। नेक्स्ट 80% ऑफ 80, सिंपली इसको परसेंटेज के फॉर्मूले से हल करना है। तो चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। 80 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80, इसको आपस में काटेंगे तो 64 के बराबर आ जाएगा। आदिल इज़ 5 ईयर ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज 3 टाइम ऑफ हिज एज, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर एंड व्हेन आदिल विल बी 15 ईयर ओल्ड। उसकी जो बहन है वो 3 गुना से ज़्यादा है, आदिल की जो एज है वो रियल 5 साल है, तो जब उसकी 15 साल होती है तो उसकी बहन की एज कितनी होगी, 25, क्योंकि आदिल की जो एज थी वो 5 थी और उसकी बहन की 3 गुना ज़्यादा थी, तो उसकी 15 बन गई, और जब 15 साल का हो तो उसकी बहन 25 की होगी। अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, उमर इज़ ओल्डर देन अकबर विच इज़ एल्डर, तो अकबर जो है अहमद से बड़ा है और उमर जो है वो अकबर से बड़ा है, तो उसका जो आंसर है वो उमर है। सलमान इज़ 4 ईयर ओल्ड, अली एज इज़ ट्विस्ट ऑफ सलमान, अली की जो है वो 2 गुना ज़्यादा है सलमान से, तो सलमान की जो एज होगी वो 12 साल होगी, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ अली, अली की जब 4 साल है तो सलमान की जो होगी वो 2 गुना ज़्यादा है, तो उसकी जो होगी 8 साल होगी, तो जब सलमान की 12 साल हो जाती है तो फिर अली की 16 हो जाएगी, इसका आंसर जो है 16 है। नेक्स्ट 10 मैन डिग अ वेल इन अ 5 डेज, 10 आदमी खुदाई करते हैं एक कुएं की 5 दिनों में, तो वो कितने दिन लगाएंगे अगर वो 5 आदमी होते हैं। आंसर है वो 10 है, क्योंकि 10 बंदों ने 5 दिन में किया है, तो लाजमी बात है अगर 5 माइनस कर देंगे 5 बंदे 10 दिन में करेंगे। 4 डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूजडे, चौथा दिन जो है महीने का ट्यूजडे है, तो 12 डेज होगा कितना होगा महीने का, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ट्यूजडे जो है तो चौथा दिन है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 में 7 प्लस करेंगे 11, तो जो 11 है वो ट्यूजडे के बराबर है, तो लाजमी बात 12 वेडनेसडे। नेक्स्ट अली इज़ 5 ईयर ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम ओल्डर देन हिम, 3 गुना से ज़्यादा बड़ी है, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली विल बी 10 ईयर, जब उसकी बहन की कितनी एज होगी, जब अली की 10 साल होगी, तो अली की जो 5 साल तो उसकी बहन की 15 साल बन जाती है, जब अली की 10 हो जाएगी तो उसकी बहन की 20 हो जाएगी सिंपली। नेक्स्ट 3rd डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, तीसरा दिन जो है महीने का जुम्मे है, तो 23rd डे जो होगा वो कौन सा होगा, तीसरा फ्राइडे है, एक ही वीक में 7 दिन होते हैं, 3 में 7 प्लस करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में 7 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा, 17 में 7 प्लस करेंगे 24 आ जाएगा, 24 जो है फ्राइडे के बराबर है, तो 23 जो है थर्सडे के बराबर है। इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर्स एंड ब्रदर इज़ 2 टाइम ऑफ माई एज, भाई जो है वो 2 गुना ज़्यादा है मेरी एज से, वट विल बी अवर रेशो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद क्या रेशो बनेगी, 2/3, क्योंकि मेरी जो एज है वो 10 है, मेरे भाई की जो है 30 है,
तो 10 को 30 पे डिवाइड कर देंगे 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट, सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई, मेरे भाई की जो बहन है उसका बेटा मेरा क्या लगता है? नीस। नेक्स्ट, 20% ऑफ 1/10 of 90, ये मैंने आपको पहले भी मेथड बताया है, तो एक्सप्लेन कर देते हैं फिर भी। 1/10 × 90, 9 के बराबर आएगा। तो हमने 1/10 तो निकाल दिया, अभी 20% निकालना है, परसेंटेज निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज का, तो 9/100 × 20 1.8 के बराबर होगा। बॉय इज़ 3 ईयर ओल्ड, हिज सिस्टर इज़ 3 times older देन हिम, 3 गुना ज़्यादा उसकी बहन की एज है उस लड़के से ज़्यादा है, तो जो एज लड़की की क्या बनेगी उसकी बहन की, अगर लड़के की एज होती है 11 साल हो जाती है। बॉय की जो एज थी जब 3 थी तो उसकी बहन जो थी 3 गुना से ज़्यादा थी, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 के बराबर आ जाएगा। हिज सिस्टर 6 ईयर ओल्डर देन बॉय, तो उसकी जो बहन है 6 साल से बड़ी है, तो जब उसकी एज 11 साल होगी तो हमने 6 प्लस कर देना है इसमें, तो 11 में 6 प्लस करेंगे 17 के बराबर आ जाएगा। अमजद एंड अहमद कैप्ट 24 balls, अमजद कैप्ट 3 times more देन अहमद, अमजद ने वो 3 गुना ज़्यादा बॉल्स पकड़े उसे, तो जो है अहमद ने कितने बॉल पकड़े होंगे हमने ये भी फाइंड करना है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अमजद ने जो है वो आपको पता है 18 बॉल पकड़े हैं क्योंकि उसने 3 गुना ज़्यादा पकड़े हैं, और अहमद ने जो है वो 6 पकड़े हैं, तो इसी तरह टोटल जो है 24 है, 24 को 4 पे डिवाइड कर देंगे 6 आंसर आ जाएगा। इफ़ अ हेलीकॉप्टर नीड 50 gallons टू मूव 320 kilometers देन हाउ मच gallons हेलीकॉप्टर नीड टू मूव 400 gallons, वो 50 gallon 320 kilometers में मूव करता है, तो जो है 400 kilometers में कितने gallon मूव करेगा? 50 को डिवाइड करेंगे 320 पे तो इसका जो आंसर होगा 0.15625 होगा, तो भी जो गैलन्स हैं वो 1 kilometer में कितने गैलन यूज़ हुए हैं, तो वो हैं 0.15625। फिलहाल 1 kilometer निकाले, अभी हमने 400 kilometer में फाइंड करने हैं, तो 400 kilometer में कितने लेके जाएगा, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 आंसर आ जाएगा। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, अगर कल का दिन मंडे है तो जो कल का दिन आएगा उसके बाद कौन सा दिन होगा, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। जो कल था वो मंडे था, जो आज का दिन है वो ट्यूसडे है, जो कल आएगा वो वेनसडे होगा, तो उसने नेक्स्ट डे बोला टुमारो के बाद, तो जो होगा आंसर वो थर्सडे होगा। नेक्स्ट, 1/10 of 120, अभी 1/10 जो है 120 का निकालना है, सिंपली इस तरह मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, उसी तरह इसको हल करना है, ईजी है। 1/10 × 120, तो जिसका आंसर होगा 12 आ जाएगा, 12 सॉरी। नेक्स्ट, 1/10 of 90, अभी पिछले में जो है हमने 120 का निकाला है, अभी 90 का निकालना है, तो इसको इसी तरह हल करेंगे, 1/10 × 90 जो होगा 9 के बराबर आएगा। चेज द बुक फॉर ₹500 एंड सोल इट फॉर 700, कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट, बुक लिए 500 की और उसने बेची 700 की, तो हमने प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, 700 में से 500 को माइनस करेंगे 200, प्रॉफिट जो है वो 200 आया, तो भी परसेंटेज में निकालना है, 200 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ जाएगा, तो 2000 को डिवाइड कर देंगे 500 पे, 40 आंसर, ये परसेंटेज से हो जाएगा। लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB, पहले हमने UTYEAB को अरेंज करना है, जब इसको अरेंज करेंगे तो ये ब्यूटी बन जाएगा जिस तरह आपके सामने है, तो जो लास्ट लेटर है आपके सामने है वाई। इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे, महीने का दूसरा दिन जो है वो जुम्मा है, तो 14 day कौन सा होगा, ये तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करके बताया, चलिए फिर भी कर लेते हैं। दूसरा दिन जो है फ्राइडे है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 2 में 7 प्लस करेंगे 9, 9 में 7 प्लस करेंगे 16, 16 जो है फ्राइडे है, 15 थर्सडे हो गया, 14 जो होगा वेनसडे हो जाएगा। डॉग इज़ टू बिच एज हॉर्स इज़ टू, ये तो ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप ईजीली हल कर लेंगे। मेयर, इफ़ मंडे इज़ 4th day ऑफ मंथ, महीने का जो चौथा दिन है वो मंडे है, तो 18 day विल बी, 18वां दिन कौन सा होगा, चलिए इसको इसी तरह करते हैं जैसे पहले किया है। 4 जो है मंडे के बराबर है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 4 में 7 प्लस करेंगे 11, 11 में 7 प्लस करेंगे 18, तो 18वां दिन जो होगा वो मंडे के बराबर हो जाएगा। आफ्टर अरेंजिंग रैपिस इट इज़ नेम ऑफ कंट्री सिटी ओशन एंड स्टेट, रैपिस को जब अरेंज करेंगे तो ये किस चीज़ का नाम बनेगा, कंट्री का, सिटी का, ओशन का या स्टेट का, रैपिस को अरेंज करते हैं चले, तो ये पेरिस बन जाएगा, सिटी का नेम बन जाएगा, पेरिस जो है वो सिटी है।
वाई पीपल रीड न्यूज़ पेपर, लोग जो हैं वो न्यूज़ पेपर क्यों पढ़ते हैं? तो मैं अपने मुताबिक आंसर दे रहा हूँ, जो उधर ऑप्शन थे तो आपने भी अपने मुताबिक आंसर देने हैं। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ, टू गेट नॉलेज। वाई पीपल यूज़ कार, लोग जो हैं वो कार क्यों यूज़ करते हैं? जिस तरह उधर ऑप्शन थे तो मैंने इसी तरह इधर आंसर दिया है, तो जिधर इस तरह के ऑप्शन हो गया आपने इसी तरह का आंसर देना है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो जिस जो इसका आंसर है वो ट्रैवल है, टू ट्रैवल। नेक्स्ट, ट्रेन कवर 120 किलोमीटर वन आवर, बीस ट्रेन जो सफ़र करता करती है 120 किलोमीटर एक घंटे में, तो हाउ मच डिस्टेंस इलिट कवर इन 12 मिनट। तो 120 को डिवाइड कर देंगे 60 के एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि हमने 12 मिनट में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो इसका आंसर होगा 24 आ जाएगा। इफ़ वन डजन पेंसिल आर ऑफ रुपीज 60, एक दर्जन पेंसिलें जो हैं 60 रुपये की हैं, तो अमाउंट ऑफ फाइव पेंसिल विल बी, तो पाँच पेंसिल की जो अमाउंट होगी कितनी बनेगी? तो 60 को डिवाइड कर देंगे 12 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पे, क्योंकि 60 रुपीज़ ही टोटल और एक दर्जन में आपको पता है 12 होती हैं, तो हमने 5 फाइंड करनी है, 5 से डिवाइड करेंगे तो जो है आंसर 25 बन जाएगा। नेक्स्ट, इन अ क्लास 500 340 आर बॉय, फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़। हमने पिछले क्वेश्चन में जो थी गर्ल्स की निकाली थी, इसमें जो है बॉयज़ की निकालनी है, तो ये उसी तरह होगा परसेंटेज से। 500 को पहले 100 पे डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा, फिर 340 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो इसका आंसर जो होगा 68% आ जाएगा। वन क्वार्टर ऑफ 120, एक हिस्सा क्या होगा 120 का? चार हिस्से होते हैं हर चीज़ के, तो इसका एक हिस्सा हमने निकालना है 120 डिवाइड बाई 4, क्योंकि चार हिस्से होते हैं, चार से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 30 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ मंडे इज़ फर्स्ट डे ऑफ मंथ, पहले दिन जो है महीने का वो मंडे है, तो 13 डे विल बी, 13वां दिन कौन सा होगा? चलो एक्सप्लेन करते हैं। पहला दिन जो था मंडे, एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक में 7 जमा करेंगे 8, 8 में 7 जमा करेंगे 15, तो 15 जो है मंडे के बराबर है, 14 जो है संडे के बराबर है, 13 जो है सैटरडे के बराबर है, तो जिसका आंसर है वो सैटरडे, क्योंकि 13 के बारे में पूछे। नेक्स्ट, इफ अली प्रेजेंट एज इज़ 5 ईयर एंड सिद्रा इज ट्विस्ट ऑफ अली एज, सिद्रा जो है वो 2 गुना से ज़्यादा बड़ी है, तो समझे कि 10 साल, कैलकुलेट एज ऑफ सिद्रा वैन अली इज 11 ईयर ओल्ड, जब अली की 11 ईयर ओल्ड होगी तो सिद्रा की कितनी होगी? अली की 5 थी, सिद्रा की ट्विस्ट थी, तो 5 में 5 जमा करेंगे 10, तो जब अली की 11 होगी तो हमने 11 में 5 जमा कर देना है 16, 16 ही जा जाएगी सिद्रा की। नेक्स्ट, इफ़ अहमद वॉक टूवर्ड नॉर्थ, अहमद वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ एंड देन टर्न लेफ्ट, वो बाएँ घूम गया है, लेफ्ट घूम गया है, तो वट इज़ हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट, लेफ्ट पे जो है वेस्ट है। नेक्स्ट, अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes, हाउ मच टाइम विल इट विल टेक टू कवर 1 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सफर तय करता है 1 घंटा 40 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 पे, तो आंसर जो होगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ 28 डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, 28वां दिन जो है वो मंडे है, तो 8वां दिन कौन सा होगा? 28वां मंडे है, 28 में से 7 माइनस करेंगे, 21 में से 7 माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा, तो उसने जो पूछा है 8वें दिन का पूछा है, तो 8वां दिन जो होगा वो ट्यूसडे होगा, क्योंकि 7वां जो है मंडे है, इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। नेक्स्ट, 120 मल्टीप्लाई बाई 7, ये तो इजी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का 840। नेक्स्ट, अ कार इज़ मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 10 मिनट, एक कार है 120 किलोमीटर स्पीड से सफर तय कर रही है, तो 10 मिनट में कितना करेगी? 120 को 60 से करेंगे, क्योंकि घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने 10 किलोमीटर फाइंड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज संडे, चौथा दिन जो है महीने का संडे है, तो चौथा दिन क्या होगा? चौथा जो है मंडे है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 में 7 प्लस करेंगे 11, 11वां दिन जो हो गया मंडे, 12वां दिन ट्यूसडे, 13वां दिन वेनसडे, तो 14वां दिन जो होगा थर्सडे होगा। नेक्स्ट, यस्टरडे वाज फ्राइडे, टुमारो विल बी, कल के दिन जो है वो फ्राइडे, तो टुमारो विल बी कल का बोला है, डे आफ्टर टुमारो विल बी नहीं बोला, आपने ध्यान से देखना है, कल फ्राइडे था, आज सैटरडे, तो कल जो होगा वो संडे हो जाएगा। ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 hour and 40 minutes, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 मिनट्स, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, 120 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15, तो इसका जो आंसर है वो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट, लीप ईयर कम आफ्टर, लीप ईयर जो कितने साल बाद आते हैं?
चार साल बाद आते हैं। व्हीकल इज टू व्हील एज साउंड इज टू, व्हीकल जो है व्हील के रिलेटेड है, तो साउंड जो होगा किसके रिलेटेड होगा? वेव्स। अ मैन वॉक्स टूवर्ड नॉर्थ, एक आदमी नॉर्थ की तरफ सफ़र कर रहा है। एंड देन टर्न लेफ्ट, बाएं घूम गए। एंड देन टर्न राइट, राइट घूम गए, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है? मैंने आपको दिखाया हुआ, सॉल्व करके तो देख सकते हैं। तो जो उसकी डायरेक्शन बनेगी वो नॉर्थ बनेगी। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट, एक क्लास में 24 स्टूडेंट हैं, 1/4 आर मेल, देन परसेंटेज ऑफ फीमेल्स। चलिए सॉल्व करते हैं, 24 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, क्योंकि 1/4 था, 6 आ जाएगा। मेल जो है 6 हैं, फीमेल जो है, अभी हमने फीमेल फाइंड करनी है, 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो अभी हमने परसेंटेज निकालनी है, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 24 पे, तो जो आंसर आएगा 75 आ जाएगा। 15 डे ऑफ मंथ इस मंडे, 15 दिन जो है वो मंडे है, तो चौथा दिन कौन सा होगा महीने का? तो ये क्वेश्चन जिस तरह मैंने पहले किसी तरह करना है, माइनस करेंगे 7, 8वां जो होगा मंडे के बराबर होगा, 7वां संडे, 6वां सैटरडे, 5वां फ्राइडे, तो चौथा जो थर्सडे के बराबर। मैन कवर 20 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, देन ही विल कवर 1 kilometer इन, ये भी क्वेश्चन ईजी है। 20 किलोमीटर 100 मिनट में करता है, तो 1 kilometer में कितना करेगा? 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, 1 kilometer फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर आएगा 1.2। अब इफ़ अ मैन ट्रेवल 90 किलोमीटर इन 1 hour and 40 minutes, ही विल कवर इन 1 kilometer, एक आदमी 90 किलोमीटर सफर तय करता है 100 मिनट में, तो 1 kilometer में कितने मिनट लगाएगा? 90 divided by 100 multiplied by 1, इसी तरह करने हैं, तो इसका जो आंसर होगा 0.9 आ जाएगा। ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 80% ऑफ 90, अभी 90 का 80% करना है, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना ईजीली। 80 divided by 100 multiplied by 90, 72 के बराबर है। नेक्स्ट, इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट्स, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। पिछले क्वेश्चन में जो थे हमने एब्सेंट निकाली थी, इसमें प्रेजेंट निकालनी है। 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा 120,000। इजीली परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, अभी दोबारा डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करूँगा 1500 पे, तो जिसका आंसर होगा 80% आ जाएगा। नेक्स्ट, ईगल की आवाज़ को क्या कहते हैं यार, साउंड ऑफ ईगल, इस तरह का क्वेश्चन होगा उधर। स्क्रीम लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट, बैट कैन नॉट सी, चमगादड़ जो है देख नहीं सकता। एंड स्नेक कैन नॉट, हियर सुन नहीं सकता। नेक्स्ट, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, महीने का दूसरा दिन जो है वो मंडे है, तो हमने जो है 12 डे फाइंड करने हैं। इसी तरह हल करना है जिस तरह मैंने आपको बताया, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 2 में 7 plus 9, तो 9 जो है मंडे, 10 ट्यूजडे, 11 वेनसडे, 12 थर्सडे। नेक्स्ट, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज संडे, देन 23rd day विल बी, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह हल करना है। 2 जो है वो संडे के बराबर है, 2 में 7 plus 9, 9 में 7 plus 16, 16 में 7 plus 23, 23 जो है वो भी संडे के बराबर है। नेक्स्ट, 2 plus 2 multiply by 2, ईजी क्वेश्चन है, ईजी जो हल करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इंसान कन्फ्यूज रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि टाइम कम होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूज रहता है। 2 plus 2 4 multiply by 2 से, तो 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 divided by 2 plus 2, ये क्वेश्चन भी है, हर साल आता है, जितने क्वेश्चन हैं ये हर साल आते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन है वर्बल के, तो जो इसका आंसर है वो 3 है, आपके सामने सॉल्व है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है एक दफ़ा। नेक्स्ट, 1/3 of 120 का क्या बनेगा? तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 1/10 आता रहे, तो इसमें 1/3 आ गया, सेम ही क्वेश्चन है। 1 divided by 3 multiplied by 120, आंसर जो होगा 40 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ 1 dozen पेंसिल प्राइज इज़ 27, एक दर्जन पेंसिल की प्राइस जो है 27 है, देन प्राइज ऑफ 4 pencil इज, तो 4 pencil की प्राइस कितनी होगी?
27 को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर 9 आ जाएगा। अली मूव्स टुवर्ड नॉर्थ साइड, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे तो उसके बाद लेफ्ट घूम गया, देन अगेन ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद दोबारा लेफ्ट घूम गया, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन कौन सी है? आपके सामने उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन जो है वो साउथ है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 340 आर प्रेजेंट, परसेंटेज ऑफ एब्सेंट विल बी, पिछले में जो था हमने प्रेजेंट निकाली थी, इसमें हमने एब्सेंट निकालनी है, वहाँ पे सर कंफ्यूज नहीं होना। 340 को डिवाइड करेंगे 500 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 68 बन जाएगा, तो 100 में से 68 माइनस करो 32 के बराबर है, क्योंकि हमने एब्सेंट निकालनी है। ट्रेन इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट विल कवर इन 12 मिनट, 12 मिनट में कितना सफर तय करेगी? 90 को डिवाइड करेंगे 60 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आंसर जो होगा 18 आ जाएगा, 12 मिनट में 18। जज़ाकअल्लाह, ये जो था पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और सामने लिंक भी शो किया गया है, तो पार्ट 2 भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि दोनों में जो है 100 क्वेश्चन है।